नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक चीज जानना होगा कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें कई बार कंफ्यूज करने को दे देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि सर एडियाबैटिक और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है दोनों का स्लोप चेक कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू गामा, गामा के वन से बढ़ाया तो हमने इस तरीके से बना लिया। तो फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर आपने यहाँ पे क्यों बनाया, आप ऊपर क्यों नहीं बनाए। अगर मान लो ऐसा कि डाउट आता है आपको, तो उसके उसके लिए हम सबसे बेस्ट हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तो हम एक काम करते हैं सर दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। और दोनों का स्लोप निकालने के बाद मैं आराम से प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस होगा इस तरीके से होगा, उसके नीचे ये वाला प्रोसेस आएगा, ऊपर प्रोसेस आएगा, विद द हेल्प ऑफ स्लोप मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्लोप निकाल पाएंगे अगर तो हम आराम से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, और कोई भी क्वेश्चन हमें देता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बता देंगे कि कहाँ पे आइसोथर्मल आएगा और कहाँ पे एडियाबैटिक आने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडिया बैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये वाई है और ये एक्स है, तो वाई और एक्स कोई अगर डायग्राम है, आपको स्लोप निकालना है, तो क्या निकालते हो, स्लोप इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं आपको कि सर आप पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हो किसको, आइसोथर्मल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, एरिया बैंडिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पीवी डायग्राम पे स्लोप क्या होगा, तो हमें स्लोप लिखा हूं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एरिया बैंडिंग प्रोसेस, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा यहां पे क्या, ऑन पीवी डायग्राम, क्योंकि हर डायग्राम का स्लोप अलग होगा। अगर मैं यहां पे y एक्स ले आऊं तो dy अपॉन dx, यहां पे मैं p और q लिखूं तो dp अपॉन dq हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे स्लोप क्या होगा सर, यहां पे स्लोप होगा dp अपॉन dv, dy अपॉन dx, तो dp अपॉन dx, तो ये हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए, तो अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या है कि dP अपॉन dV निकालना है, तो मेरे लिए वेरिएबल क्या है, P और V दोनों वेरिएबल है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, P इंटू dV प्लस V इंटू dP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो मुझे क्या निकालना है, dP अपॉन dV, तो इसको यही छोड़ देते हैं, dv को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, v इंटू dp इज इक्वल टू, ये कहां गया, माइनस p इंटू dv, और मुझे लिखा है किस फॉर्म में आना है, स्लोप निकालना है मतलब कि dp अपॉन dv निकालना है, तो क्या करेंगे यहां पे कि dp अपॉन dv दैट विल बी इक्वल टू माइनस p अपॉन v, यानी कि अगर मुझे आइसोथर्मल में स्लोप पूछता है तो आइसोथर्मल के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस p बाई वी, यही क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप, और एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप निकालने के बाद हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एडियाबैटिक का स्लोप निकालना है मुझे, तो एडियाबैटिक के लिए क्या है, पीवी रेशियो पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सेम स्लोप का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो पीवी डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, डीपी अपॉन डीवी, तो डीपी अपॉन डीवी कैसे निकालेंगे, सेम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गामा इंटू वी का पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, सी, सी क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो,
तो यहां से हम क्या बोलेंगे, मुझे डीपी अपॉन डीवी चाहिए, डीपी अपॉन डीवी चाहिए, तो इसको उधर लेके जाएं और फिर अपॉन में कर दूं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहां पे कि डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया हूं, तो ये मेरा आएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा क्या कि माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी। जब आप इसको इधर ले जाओगे फिर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा वी का पावर गामा अपॉन में हो जाएगा वी का पावर गामा माइनस वन, ये ऊपर जाएगा फिर कैंसिल आउट होकर माइनस गामा इंटू पी बाई वी आएगा यहां से। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा माइनस गामा इंटू पी बाई वी। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब मैं दोनों को अगर रिलेट करूं तो दोनों को रिलेट करके मैं बोल सकता हूं क्या सर कि डीपी अपॉन डीवी यानी कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है और ये मेरा आइसोथर्मल का जो स्लोप है सर, दोनों में क्या रिलेशन है, तो मैं बोल सकता हूं गामा टाइम से ये ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा वो गामा, यानी कि गामा बोलो या हम इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस दैट विल बी इक्वल टू द गामा दैट इज ऑल्सो नोन एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यानी कि एक चीज तो मुझे पता चल गया, गामा की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, वन से ज्यादा होती है। इसका मतलब कि सर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका स्लोप हमेशा ज्यादा होगा वन से, ठीक है। तो हम अगर यहां पे मुझे दिखाना है, मान लो कि पी और वी डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, इसको मैंने बोला कि पी वी डायग्राम बना रहा हूं सर, और पी वी डायग्राम पे मैं दोनों को दिखाना चाहता हूं, दोनों प्रोसेस को, तो कैसे करेंगे, पी वी डायग्राम पे स्लोप ज्यादा किसका है, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। तो अगर दोनों को सेम पॉइंट से दिखाना है, मान लो दो कर्व बना दिया ऐसे, तो दोनों में मुझसे कोई पूछे कि कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, तो क्या बोलूंगा सर, स्लोप निकालने के लिए अगर ये प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो एक टेंजेंट एक बेस ले लिया और बेस से एंगल मेजर कर लो, जिसका एंगल ज्यादा ये एंगल कम है तो ये कौन सा लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल, ठीक है। और ये एंगल ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये हमारा एडियाबैटिक हो जाएगा, ये हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे कभी कोई भी प्रोसेस कोई भी कर्व दे देगा, दोनों कर्व दे देगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, हमसे पूछे कि बताओ कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, तो हमें पता है सर कि आइसोथर्मल जो है उसका स्लोप कम है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। तो मुझे कोई भी प्रोसेस देता है, ठीक है ना, या तो एक्सपेंसिव प्रोसेस दे दे, या मतलब ये प्रोसेस दे दे, या इधर का प्रोसेस दे दे, कोई भी प्रोसेस देता है, तो एक रेफरेंस से एक बेस से दोनों कर्व के लिए दोनों प्रोसेस के लिए मैं एंगल मेजर करूंगा, और जिस प्रोसेस के लिए एंगल ज्यादा होगा उसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो अब मुझे अगर कभी कोई पूछता है कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में क्या कैसे कर्व रिप्रेजेंट करोगे दोनों को साथ में, डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ द बोथ प्रोसेस कि किसका स्लोप ज्यादा होगा और किसका स्लोप कम होगा, क्लियर। तो इसके बेसिस पे ये सारा जो कुछ हमने डिस्कस किया इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे माय डियर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशंस का, इसका यूज करना पड़ेगा मुझे, ये आइडियल गैस इक्वेशन का यूज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी जा रहा हूं क्या करने कि आइडियल गैस जो इक्वेशन मेरा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला करता हूं कि मेन हेडिंग देता हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉर
वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जिसमें मैं सबसे पहला क्या ले रहा हूं सर, पहला ले लिया मैंने मान लो कि वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस की बात करूं तो क्या बोलेंगे हम, ये अगर पीवी डायग्राम की बात करते हैं तो पीवी डायग्राम पे क्या होगा सर, पीवी डायग्राम पे एक सिंपल कांस्टेंट लाइन। अब यहां पे दो चीजें होंगी, या तो आप प्रेशर कम कर रहे हो या प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो प्रेशर कम कर रहे हो या प्रेशर बढ़ा रहे हो, दोनों को कैसे ले सकते हो। प्रेशर कम करने का मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब बोल रहे हो कि कंप्रेशन हो रहा है, या प्रेशर कम होने का मतलब बोल सकते हो कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, या प्रेशर बढ़ने का मतलब बोल सकते हो कि हीट सप्लाई हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर मुझे आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है, PV इक्वल टू MRT, यानी कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बता रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि P by T is equal to constant. वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो P by T is equal to constant, यानी कि अगर ये 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, दो प्रोसेस, तो दोनों के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि P1 by T1 is equal to P2 by T2, ठीक है, ये तो मेरा पहला हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं कि पहला प्रोसेस मेरा हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस अगर बात कर लें किसका, सेकेंड प्रोसेस लेके चल रहा हूं कि अगर सर मेरे पास मान लो आइसोथर्मल हुआ, क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है सर, उसके लिए गवर्निंग इक्वेशन क्या है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। फिर मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या कि कोई भी प्रोसेस दे, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, में बोल सकता हूं यहां पे। अगर मुझे कोई भी प्रोसेस दे रखा है यहां पे ए पी और वी, और ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है ये 1 से 2, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है। थर्ड आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू, अब चाहो तो ये भी बना सकते हो कि पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू V2 by V1, बस आपको चेंजेस करने हैं, जितना चेंज करना चाहो उतना चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड अगर मैं लेके चल रहा हूं कौन सा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब PV directly proportional to T, PV is equal to MRT से, P constant है, तो V directly proportional to T होगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि V upon T is equal to, V upon T is equal to constant, मतलब कि V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, ये हमारा हो जाएगा pressure constant process के लिए, यानी कि अगर ये PV diagram मैं बना रहा हूं, और PV डायग्राम पे एक मैंने सिंपल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाया 1 से 2 तक, तो इस प्रोसेस के लिए मैं बोल सकता हूं कि V1 by T1 is equal to V2 by T2, यानी मैं सिंपल देख रहा हूं कि वेरियस जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं सारे आइडियल गैस, उनके लिए आइडियल गैस इक्वेशंस को मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूं, और इसका यूज क्या, इसका यूज क्या है सर, इसका यूज ये है कि मे बी पॉसिबल कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें कुछ इसके फॉर्म में दिया हो, ठीक है, या अगर हमें इसके फॉर्म में नहीं दिया तो इसके फॉर्म में दिया हो, यानी जो हमें फॉर्म दे सकता है, यानी कि प्रेशर ना देके वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ना देके टेम्परेचर दे दिया, तो अगर जो भी कंडीशन दिया हुआ है उससे मुझे कैसे अपने इक्वेशंस को सेट करना है ताकि मैं आंसर निकाल पाऊं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये हमने तीन प्रोसेस के लिए देख लिया, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए, और माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एडियाबेटिक। अगर एडियाबेटिक अगर हमने समझ लिया ढंग से तो हम आराम से पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के अगर मैं निकाल रहा हूं, इसको ध्यान से हमें समझना है, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कोई टेंशन लेना नहीं मुझे, क्यों, देखो ध्यान से, PV into V का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पता है हमें, यानी कि मैं इससे बोल सकता हूं क्या कि P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा।
अब इन केस आपके क्वेश्चंस में पी दिया है लेकिन वी नहीं दिया है, टी दिया है, तो क्या करोगे? अब उस कंडीशन में हम अपने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है कि PV इज इक्वल टू mRT, यानी कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मुझे P और V दिया हुआ है, यहाँ पे P V का रिलेशन मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे P और T में निकालना है, तो मुझे V को रिप्लेस करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू T अपॉन P, तो मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P है, तो यहाँ पे V की जगह पे मैं क्या रखूंगा, T और P रखूंगा। तो अगर रखूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि पी वन वी वन की जगह पे टी वन अपॉन पी वन, तो क्या बोलूंगा, टी वन का पावर गामा अपॉन पी वन का पावर गामा इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टू इन टू सेम वी टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन पी टू, तो टी टू का पावर गामा अपॉन पी टू का पावर गामा। और यहाँ पे मुझे टी और पी को एक साथ लेकर आऊं, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे बोलो, क्या मैं पी टू को एक साथ लेके जा रहा हूँ और टी वन को एक साथ लेके जा रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे, अगर ये P1 का पावर गामा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 का पावर माइनस गामा, तो मैं इसको बोलूंगा कि P1 का पावर 1 माइनस गामा इनटू T1 का पावर गामा इज इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 माइनस गामा इनटू T2 का पावर गामा, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से कोई बोले मुझे लीड करने को, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर टी टू अपॉन टी वन निकालना है, मान लो, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से कैसे निकालेंगे, अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि T2 अपॉन T1, इसको मैं लेके चला गया, ये गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 का पावर 1 माइनस गामा, मैंने T को एक साथ लीड कर दिया और P को एक साथ लीड कर दिया। अब मुझे पता है कि जनरली गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो 1 माइनस गामा लेने से अच्छा हम गामा माइनस 1 लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या बोल सकता हूं इसको कि T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 का पावर, अगर मैंने P2 by P1 चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया गामा माइनस वन, और ये T2 by T1 जब ये वन पावर गामा है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में गामा। तो ये हमारे पास लेसन आ गया कि अगर मुझे T और P में रिलेशन चाहिए तो क्या होगा, T2 by T1 is equal to P2 by P1 का पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। इसी तरीके से हमसे बोलता है कि मुझे P और V में पता है, T और P में पता है, लेकिन मुझे T और V में चाहिए, मुझे P नहीं चाहिए, मुझे P के साथ T और V, मतलब T और V में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मुझे पता है क्या कि यहां से मैं अगर रिलेट करूं कि P V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मुझे P की जगह पे T रखना है, तो क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। तो अगर मैं P को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, T अपॉन V, P1 है तो T1 अपॉन V1 into V1 का पावर गामा into V1 का पावर गामा is equal to P2 V2, यानी कि P2 की जगह पे क्या रख दूं, T2 by V2 into V2 का पावर गामा, तो V2 का पावर गामा अगर लिख दूं तो मैं इसको बोलूंगा क्या कि सर T1 into V1 का पावर ऊपर जाएगा तो गामा माइनस वन, गामा माइनस वन is equal to T2 into V2 का पावर गामा माइनस वन। तो यहां से मैं रिलेट करूंगा तो क्या हो सकता है बोलो, यहां से अगर मैं रिलेट करूंगा तो बोल सकता हूं ये इक्वेशन ये भी बोल दो डायरेक्टली, या अगर आपको चाहिए तो T1 by T2 ले सकते हो, तो V2 by V1 का पावर गामा माइनस वन, जो भी जैसा चाहे, यानी आपको एक इक्वेशन पता है मेन एडियाबेटिक का, और आप इसके हेल्प से अगर चाहते हो कि मुझे नहीं टी और वी में रिलेशन चाहिए, मुझे टी और पी में रिलेशन चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन you can find the relation between T and V, or you can find the relation between T and P. ये कैसे पता चलेगा? ये आपके questions में पता होगा कि questions में T दिया है, P दिया है, या question में P दिया है, V दिया है, या question में कुछ भी, मतलब P और V दिया है केवल। P भी दिया है तो ये लगाओ, T भी दिया है तो ये लगाओ, और P T दिया है तो ये लगाओ। समझ में आ गया? और अगर मैं polytropy की बात करूँ तो क्या होगा? Same as adiabatic, ठीक है ना? Same as adiabatic. बस वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा है, वहां पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा पावर। तो अगर आपको कभी भी पॉलीट्रॉपिक का पूछता है तो एडियाबेटिक आपको पता है मेन इक्वेशन, तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपके लिए मेन इक्वेशन कौन कौन से हैं? एक मेन इक्वेशन ये है, दूसरा मेन इक्वेशन ये है, एंड थर्ड